हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं HTML CSS ट्यूटोरियल 9 को। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कैसे एक वेबसाइट में मेनू को क्रिएट किया जाता है। आपने देखा होगा कई वेबसाइटों में एक मेनू बना होता है, होम, प्रोडक्ट, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस। आप किसी भी मेनू पर क्लिक करते हैं, एक सब मेनू ओपन हो जाता है। आप सब मेनू पर क्लिक करते हैं तो एक और मेनू ओपन हो जाता है, जिस पर क्लिक करने के बाद आप किसी भी पेज पर रीडायरेक्ट हो जाते हैं। तो वो कैसे बनाते हैं आज आप इस वीडियो में देखेंगे। आप लास्ट तक इस वीडियो को देखिए और पूरा वीडियो देखने के बाद आप अपना एक मेनू क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हमने ब्रेकेज ओपन कर लिया अपना और एक फाइल बना ली है मेनू विथ css.html। हम इस फाइल में जितनी भी css है उसको इंटरनली यूज करने वाले हैं, इसलिए मैंने हेड में स्टाइल टैब टेक्स्ट css का डिक्लेयर कर दिया है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अनऑर्डर लिस्ट बना लेते हैं, क्योंकि मेनू बनाने के लिए हमें एक लिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। लिस्ट में हम एक एंकर टैग ले लेते हैं, ए एच आर ई एफ होम, हैश दे देते हैं, किसी पेज पे हमें रिडायरेक्ट नहीं कराना है। होम, पहला मेनू हमारा बन गया है होम। दूसरा मेनू हमारा बन गया है प्रोडक्ट। तीसरा हम मेनू बनाते हैं अबाउट अस का, और चौथा हमारा बनाते हैं कॉन्टैक्ट अस। सेव कर देते हैं पेज को, एक बार रन करते हैं। पेज को रन करते हैं तो रन करने पे आप देख रहे होंगे होम, प्रोडक्ट, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस हमारे डिस्प्ले हो गए हैं। इसमें सबसे पहले हम एक यूनिवर्सल CSS लगा देते हैं। यूनिवर्सल CSS क्या होती है, आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं, जो कि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। इसमें मैं मार्जिन 0 और पैडिंग 0 को लगा देता हूं। सेव करता हूं, पेज को रिफ्रेश करता हूं, तो देखिए आपका अभी जो ऑटोमेटिकली जो मार्जिन लग रहा था उसको 0 करके आपका कंटेंट हाँ से स्टार्ट हुआ है पेज का। तो अप्लाई हो गई है हमारी यूनिवर्सल CSS। अब मैं एक CSS क्लास बना लेता हूँ, ड्रॉप डाउन, इसमें विड्थ डिक्लेयर कर देता हूँ मैं 80%, मार्जिन ऑटो दे देता हूँ। क्या ये ड्रॉप डाउन को मैं इस क्लास में यहाँ पर बना के इस एट्रीब्यूट में दे देता हूँ। नेक्स्ट लगाता हूँ डिस्प्ले फ्लैग। जितनी हमारी लिस्टिंग शो हो रही है, ये लिस्टिंग को मैं एक लाइन में शो करना चाहता हूँ, तो इसके लिए होता है डिस्प्ले फ्लैग्स। सेव करेंगे आप, पेज को रिफ्रेश करेंगे तो देखिए सारी हमारी जितनी भी अनऑर्डर लिस्ट एक लाइन में शो होने लगी है। अब आप डॉट देख रहे होंगे, हर सम के पहले हमारा एक डॉट लिख के आ रहा है, इसको कैसे हटाएं, तो हम लिखेंगे लिस्ट स्टाइल टैब। इसको आप नन कर दीजिए, नन करने के बाद सेव करेंगे तो ये आपका डॉट सारे को हटा देगा। हम अप्लाई करते हैं एंकर टैग पे। एंकर टैग पे क्या लगाएंगे, सबसे पहले हम बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। बैकग्राउंड कलर में क्या कर देते हैं, ब्लैक कलर, फॉन्ट का कलर हम वाइट कर देते हैं। इसको सेव करते हैं और रन करके देखते हैं तो हमारा अप्लाई हो गया है। अब हमें टेक्स्ट डेकोरेशन चेंज करनी है, तो टेक्स्ट डेकोरेशन में हम नन। टेक्स्ट डेकोरेशन क्या करती है, जो आपका एंकर टैग पे नीचे लाइन बन के आ रही है इस लाइन को रिमूव कर देगी। देखिए रिमूव कर दिया। फॉन्ट साइज को हम कुछ बढ़ा देते हैं, फॉन्ट साइज हम इंक्रीज करके 60 पिक्सल कर देते हैं। इस एंकर टैग की कुछ हम विड्थ दे देते हैं, विड्थ कितनी देते हैं, 200 पिक्सल हम दे देते हैं। और एक हम दे देते हैं डिस्प्ले, जो डिस्प्ले हो हमारे एंकर टैग वो ब्लॉक के रूप में डिस्प्ले हो। तो सेव, दोनों प्रॉपर्टी को हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद ये पेज को रिफ्रेश करते हैं तो देखिए 200 पिक्सल हमारा एक ब्लॉक बन के तैयार हो गया है। देते हैं पैडिंग 10 पिक्सल कर देते हैं हम। अलाइनमेंट, टेक्स्ट का अलाइनमेंट कैसा होना चाहिए, सेंटर कर देते हैं। सेव करते हैं पेज को तो देखिए एक तरीके से हमारा मेनू बन के
तैयार हो गया है। थोड़ा हम इसमें फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर लेते हैं, तो फॉन्ट फैमिली हम चेंज कर देते हैं, हम इसमें सेंस सेरिफ लगा देते हैं और इसको तो थोड़ा हमारा अब दिखने लगा है। चाहते हैं कि जैसे ही हमारा माउस एंकर टैग के ऊपर जाए, कुछ कलर चेंज हो जाए, तो हम उसका यूज करते हैं। कौन से एलिमेंट पे आप लगाना चाहते हैं? कॉलन होवर, होवर पे यानी माउस ओवर पे क्या करना चाहते हैं हम? बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर में अक्वा देना चाहते हैं और कलर इसका ब्लैक हो जाए। सेव करते हैं। देखिए अब मैं होम पेज पर जैसे ही ले जा रहा हूँ तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है सबका, टेक्स्ट का भी चिक कलर चेंज हो रहा है। और कुछ करना है हमें तो फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं आप। फॉन्ट साइज मैं 20 पिक्सल कर देता हूँ। तो देखिए पेज को रिफ्रेश किया, अब आप जैसे ही होम पे ले जा रहे हैं थोड़ा साइज इंक्रीज हो रहा है हमने, तो एक हमारी सिंपल सी मेनू बन के तैयार हो गई। अब हम चाहते हैं प्रोडक्ट पर क्लिक करें तो सब मेनू ओपन हो जाए, तो एक मेनू और हमें बनानी होगी। तो उसके लिए हम किस पे? प्रोडक्ट पे चाहते हैं, तो प्रोडक्ट के एलआई के अंदर लिखेंगे, जहाँ पर आपका एंकर टैग ख़त्म हो रहा है वहाँ पर ही हम स्टार्ट करेंगे यूएल एलआई। एलआई में आप लिख देंगे आइटम, कुछ नाम दे देते हैं, जैसे मैंने दे दिया टीवी। मैं यहाँ से एक एंकर टैग को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, जिससे मुझे बार बार लिखना ना पड़े। मैं यहाँ पर करता हूँ टीवी, यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ मोबाइल, और यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ अदर। सेव करता हूँ, पेज को एक बार रिफ्रेश करके देखता हूँ। तो पेज को रिफ्रेश करने पे देखिए इसकी सब मेनू बन गई, लेकिन ये मेनू तब देखिए जब हम प्रोडक्ट पे माउस को ले जाएं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? एक नई क्लास बनानी होगी डॉट प्रोडक्ट की नाम से, जिसमें हम, अब आप देख रहे होंगे इसमें डॉट लग के आ रहा है, पहले तो हमें डॉट हटाने पड़ेंगे। तो लिस्ट स्टाइल टाइप में नन कर दीजिए आप। डिस्प्ले, आपको डिस्प्ले नहीं करानी है तो डिस्प्ले इसको नन कर दीजिए, डिस्प्ले नहीं करानी है हमें तो डिस्प्ले नन कर दीजिए। ट्वेल्व में क्लास एट्रीब्यूट में डिफाइन कर दीजिए, ये वाली क्लास कहाँ लग जाए, ये सारी सीएसएस इस पर अप्लाई हो जाए। तो हम अब पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो रिफ्रेश करने पर आप देखिए हमारी जो हमने नई मेनू बनाई थी वो हमारी हट गई है, डिस्प्ले नहीं हो रही है। अब हम चाहते हैं प्रोडक्ट पर जैसे ही माउस ओवर जाए और उसके बाद हमारी मेनू शो हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? किसके हम ओवर पे? प्रोडक्ट के। तो प्रोडक्ट की यूएल पे कौन सी क्लास लगी है? ड्रॉप डाउन। तो हम लिखेंगे यहां पर डॉट ड्रॉप डाउन एल आई, ड्रॉप डाउन का ही तो एल आई है एक, ठीक है। एल आई, एल आई का कौन सा चाइल्ड है? यू एल के अंदर तो कई एल आई हैं, अब आप किस एल आई पर ये चीज़ को लगाना चाहते हैं? तो इसमें एक प्रॉपर्टी होती है एन चाइल्ड, एन एच चाइल्ड, हम दूसरे पे लगाना चाहते हैं। क्या लगाना चाहते हैं? इसके ओवर पे लगाना चाहते हैं। जैसे ही माउस ओवर जाए, जो प्रोडक्ट क्लास हमने बनाई है उस पर ए सी एस एच और अप्लाई हो जाए, डिस्प्ले ब्लॉक। सेव करते हैं। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करेंगे तो होम पे कुछ नहीं हो रहा है, अबाउट अस पे कुछ नहीं हो रहा है, कॉन्टेक्ट अस पे कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही आप प्रोडक्ट पे ले गए तो आपको टीवी मोबाइल अदर एक मेनू डिस्प्ले हो गई। अब आप एक और सब मेनू को ऐड करना चाहते हैं कि टीवी पर हम क्लिक करें तो सोनी टीवी या कुछ अदर टीवी की भी मेनू एक ओपन हो जाए। तो आप किस पे करना चाहते हैं? टीवी पे। तो टीवी का जहां भी आपने एल आई लिखा है, या मोबाइल पे ऐड करना चाहते हैं, जिस पर भी आप ऐड करना चाहते हैं, टीवी या मोबाइल किसी पर भी ऐड करना चाहते हैं इसका सेम मेनू,
सपोज करिए हम मोबाइल पर ही ऐड कर लेते हैं, तो मोबाइल के लिए एक अलग मेनू बनाना पड़ेगा, तो UL हम बना देंगे। UL में LI हम डिफाइन करेंगे, LI में एक एंकर टैग करना होगा, तो यहाँ से हम एंकर टैग को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। एंकर टैग को हमने कॉपी करा, कॉपी करने के बाद हमने डाल दिया सैमसंग। ओप्पो वीवो सेव करेंगे। सेव करने के बाद एक बार देखते हैं क्या हुआ अप्लाई। सब सही है, प्रोडक्ट पे क्लिक किया तो टीवी मोबाइल सैमसंग ओप्पो वीवो तो आए, लेकिन ये मोबाइल पर माउस ओवर जाने पर ही डिस्प्ले। तो हम एक क्लास यहाँ पर लिख लेते हैं, क्लास मोबाइल, और इस मोबाइल वाली क्लास को हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। मोबाइल, मोबाइल में हम लिखते हैं, सबसे पहले हमें स्टाइल टैब जो डॉट बन के आ रहे हैं उनको हटाना होगा, जो ये डॉट बन के आ रहे हैं ब्लैक कलर में इसको हटाना होगा। तो लिस्ट टाइप स्टाइल टैब में नन करेंगे, नन करने के बाद, और इसको डिस्प्ले नहीं करना है तो डिस्प्ले नन कर देंगे। आप इन दोनों प्रॉपर्टी को सेव करेंगे, सेव करने के बाद इसको रन करेंगे। प्रोडक्ट में देखिए वो हाइड हो गई, अब उसके मोबाइल के ओवर पर ही वो डिस्प्ले हो। तो हम किसके ओवर पर डिस्प्ले करना चाहते हैं, एक हमारी क्लास बनी है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में एक LI है, उस LI के NH child कौन सा चाइल्ड है, दूसरे नंबर पे है, उसके होवर पर एक हमारी क्लास और बनी हुई है मोबाइल की, उसमें ACSS अप्लाई हो जाए डिस्प्ले ब्लॉक। पेज को रिफ्रेश किया, होम पे गए, अब गए टीवी पे कुछ नहीं हो रहा है, मोबाइल पे गए डिस्प्ले हो गई, लेकिन ये यहाँ पर ना हो के ये यहाँ पर आए। तो हम इस जो मोबाइल की हमने क्लास लगाई है इसमें कुछ प्रॉपर्टी एड ऑन कर देते हैं, जैसे पोजीशन आउटलुट लगा देते हैं, ट्रांसफॉर्म इसको हम सेव करते हैं, सेव करने के बाद देख लेते हैं टीवी मोबाइल सैमसंग ओप्पो वीवो। एक हम और प्रॉपर्टी इसमें लगाते हैं ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म में क्या लगाते हैं, ट्रांसलेट करे इसको एक्स एक्सिस पे थोड़ा डिस्टेंस दे 200 पिक्सल, उसी में ना डिस्प्ले हो। तो हम सेव कर देते हैं, सेव करने के बाद इसको रन करते हैं, रन करने पे टीवी देखिए, टीवी पे क्लिक किया, मोबाइल पे क्लिक किया तो आपकी एक नई मेनू यहाँ पर डिस्प्ले हो गई, लेकिन ये बिल्कुल ही इसके सामने नहीं आ रही है। तो हम एक्स एक्सिस पे तो लगाया है, एक हम वाई एक्सिस पे भी लगा देते हैं, वाई एक्सिस पे हम लगा देते हैं 30 पिक्सल। 30 पिक्सल लगाने के बाद सेव करते हैं, सेव करने के बाद देखिए टीवी मोबाइल पे क्लिक किया तो ये सामने ही आ गया, लेकिन ये थोड़ा और डिस्टेंसिंग देनी होगी, यानी एक्स एक्सिस से थोड़ा हटाना होगा हमें। तो एक्स एक्सिस पे जो मोबाइल देखिए, अब हमारी सही आ गई 50 पे, अब हमारी सब मेनू बन गई है। तो आज की वीडियो में आपने देखा कैसे हम इजीली मेनू को क्रिएट कर सकते हैं नॉर्मल ये CSS को लिखकर। तो NH child के बारे में भी आपने नई चीज़ पढ़ी होगी, होवर पे भी कैसे किसी भी आइटम के होवर पे हम किसी भी चीज़ को कब परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।